हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिप्स गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ री रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसीजर। जी हाँ दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स अभी जुलाई 2020 सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, दोस्तों आपके री रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा तरीका बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर री रजिस्ट्रेशन करवाना है। दोस्तों, अभी तक इग्नू की वेबसाइट पे ऑफिशियली आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन दोस्तों अगर आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहां पे सिंपली री रजिस्ट्रेशन को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों, जैसे ही आप इसे यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट आपका री रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए सभी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। दोस्तों, इन सभी इंस्ट्रक्शंस के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। उसके अलावा सिर्फ एक यहाँ पे चेंज किया गया है कि आपको यहाँ पे अपना री रजिस्ट्रेशन करने से पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब दोस्तों, आपको यहाँ पे पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में इग्नू की तरफ से आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा आपके ईमेल आईडी पे और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे तो उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा। वो पासवर्ड और आपके इनरोलमेंट नंबर की सहायता से आप यहाँ पे इसमें लॉगिन कर पाएंगे और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा। सो दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन के पेज में या तो आप डायरेक्टली यहाँ से आ सकते हैं, या फिर दोस्तों आपकी जो डिटेल्स हैं आप अपने डिटेल्स ओपन कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, जहाँ पर आपकी ये सभी डिटेल्स कुछ इस टाइप का जो पेज ओपन होता है। यहाँ पर दोस्तों इसी पेज में नीचे आपको दिया हुआ है सर्विसेज में री रजिस्ट्रेशन, अगर आप इसे क्लिक करेंगे तब भी दोस्तों आपके सामने आपका री रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको सभी डिटेल्स दी हुई है, आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपनी पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के सहायता से आप अपनी फीस पेमेंट कर पाएंगे। आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने के टाइम पे कोई भी गलती ना करें, क्योंकि बाद में आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पे बुक्स के ऑप्शन को यस करते हैं तो आपका यहाँ पे पूरा फीस पेमेंट करना होगा। अगर आप यहाँ पे प्रिंटेड स्टडी मटेरियल की बजाय डिजिटल स्टडी मटेरियल के लिए ऑप्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे 15% फीस में डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि खुद के कार्ड से या खुद के नेट बैंकिंग के थ्रू ही आप अपना फीस पेमेंट करें, क्योंकि अगर आपका ट्रांजैक्शन यहाँ पे फेल हो जाता है या कोई भी उसमें प्रॉब्लम्स होती है तो आपकी उसी कार्ड के या उसी बैंक अकाउंट में पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आप यहाँ पे 24 आवर्स का वेट कर लीजिए, उससे पहले आप फिर से सेकेंड पेमेंट ना करें। दोस्तों, आप अपने री रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, उससे पहले ही आप अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून लास्ट डेट दी गई है। साथ ही दोस्तों, अगर आप किसी साइबर कैफे से या किसी शॉप वाले से अगर अपना री रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके बाद में आपका कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद में अपना प्रिंटआउट लेना ना भूलें, सो दैट वो आपके फ्यूचर में काम आ सके। दोस्तों, आपके री रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कुछ कोर्सेज दिए गए हैं जिनका री रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किया गया। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम BAG, BCOM G और BSc G स्टूडेंट्स के लिए बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने जुलाई 2019 में अपना एडमिशन करवाया था, उन सभी स्टूडेंट्स के प्रोग्राम को BA के जो स्टूडेंट्स थे उनको BAG बोला जाता है, BCOM वाले स्टूडेंट्स को BCOM G और BSc प्रोग्राम्स वाले स्टूडेंट के लिए BSc G। इसलिए दोस्तों, उनके बारे में आज की वीडियो में स्पेशली बात करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको एक BAG प्रोग्राम के स्टूडेंट का पूरा री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करके दिखाऊंगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इस बॉक्स को टिक कर दीजिए, टिक करने के बाद में प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन। आप जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप अगर अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपका पेज यहाँ पे शो नहीं करेगा, आपका पेज ओपन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं जिनके लिए री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए, उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस लिस्ट में से आपको अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना होगा। जैसे कि इन स्टूडेंट का BAG प्रोग्राम है तो मैंने यहाँ पे BAG को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में दोस्तों आपके ID कार्ड पे जो नाम लिखा हुआ है वो पूरा नाम आपको यहाँ पे लिखना होगा। दोस्तों, आप अगर कोई भी गलती करेंगे तो आपका पेज यहाँ से आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा, इसलिए आप किसी भी टाइप की कोई भी गलती ना करें। दोस्तों, नाम लिखने के बाद में आपको अपने इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखने होंगे। आप अपने इनरोलमेंट नंबर लिखने के टाइम पे भी कोई गलती ना करें। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा
ये री रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के हो रहे हैं जिन्होंने जुलाई 2019 या उससे पहले इग्नू में एडमिशन लिया हुआ है। दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2020 में अपना एडमिशन लिया था डीएजी बीकॉम जी या बीएससी जी प्रोग्राम्स वाले, या दोस्तों जिन्होंने स्पेशल कोई ऑनर्स प्रोग्राम में अपना एडमिशन लिया है, उन सभी के री रजिस्ट्रेशन अभी तक स्टार्ट नहीं किए गए। जनवरी 2020 सेशन वाले स्टूडेंट्स के री रजिस्ट्रेशन नवंबर दिसंबर 2020 में स्टार्ट होंगे, इसलिए दोस्तों आप यहां पे इसके लिए कोशिश ना करें। दोस्तों, आप यहां पे अपने इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिए। इनरोलमेंट नंबर के बाद में ये कैप्चा आपको यहां पे इंटर करना होगा और उसके बाद में आप यहां पे सबमिट को क्लिक कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर लिखने होंगे और उसके बाद में सबमिट करना होगा। दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर लिखने के बाद में जब आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे और आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे इग्नू की तरफ से एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। ओटीपी इंटर करके और सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। खुद से दोस्तों आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा और उसी पासवर्ड को फिर से लिखना होगा। इसके बाद में दोस्तों आप जैसे ही सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपका ये पासवर्ड आपके लिए अभी काम करेगा। अभी दोस्तों आप जब नेक्स्ट पेज में अपना लॉगिन करना चाहेंगे तो यहाँ पे इजीली लॉगिन कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ग्रेट यू कैन लॉगिन नाउ। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपने इनरोलमेंट नंबर और अपना पासवर्ड लिख के लॉगिन करना होगा। दोस्तों, आप ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया रहता है उसको ध्यानपूर्वक देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पे लॉगिन को क्लिक कर दीजिए। लॉगिन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपके इनरोलमेंट नंबर दिए होंगे, आपकी सभी डिटेल्स आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। इस पेज में दोस्तों आप डायरेक्टली या तो यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके अपना नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, या फिर दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक केयर को क्लिक करके और अपनी सभी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपने जो फर्स्ट ईयर में अपने सब्जेक्ट्स लिए हुए थे वो सभी सब्जेक्ट की डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट योर कोर्सेज री रजिस्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे डायरेक्टली री रजिस्ट्रेशन को क्लिक करके और अपना री रजिस्ट्रेशन वाले पेज में चले जाएंगे, जहाँ पे कि आपको अभी अपने सेकेंड ईयर के लिए सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होंगे। आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके बाद में स्टडी मटेरियल टाइप सेलेक्शन, आपको प्रिंटेड बुक्स चाहिए या फिर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए, आप मार्केट से या फिर इग्नू की जो डिजिटल बुक्स हैं उनसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आई ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 15% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फी। तो दोस्तों, आप जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपको इग्नू की तरफ से कोई भी बुक्स नहीं दी जाएंगी, लेकिन आपकी फीस में 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों नीचे आपको अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने होंगे। दोस्तों, आपने जो फर्स्ट ईयर में कोर्सेज लिए हुए हैं, जो कंपलसरी कोर्सेज है, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगे, जैसे BHIC 133, BSOC 133। इन स्टूडेंट ने पहले हिस्ट्री और सोशियोलॉजी लिए हुए थे, तो दोस्तों आपने फर्स्ट ईयर में 131 और 132 पढ़ा होगा, तो इसके बाद में अभी आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए 133 रहेगा और फोर्थ सेमेस्टर के लिए 134। दोस्तों, यहाँ पे जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है उसे अभी तक लागू नहीं किया गया, इसलिए आप इसे कम्प्लीटली सेकेंड ईयर समझ लीजिए। मतलब आपका सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 को मिला के आपका सेकेंड ईयर हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट आगे पढ़ना चाहते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे सेमेस्टर 3 में भी अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, आपके सामने जितने भी सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं आप इनको ध्यान में रखते हुए अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि दोस्तों ये स्टूडेंट, इन्होंने पहले हिस्ट्री और सोशोलॉजी लिया हुआ है, तो वो दोनों सब्जेक्ट तो इनके एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट इनको मिल जाएंगे सेकेंड ईयर के लिए, इसलिए आप यहाँ पे अपना कोई अलग सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये BHDS 183 हिंदी का सब्जेक्ट है, तो ये इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में सेमेस्टर 4th में यहाँ पे भी इनको अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे ये हिंदी ले लेते हैं, ये बेसिक हिंदी रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट वाले में भी ये यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं, या फिर सोशोलॉजी का फिर से कोई नया सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ पे फिर से हिंदी को लेना पसंद करेंगे। इसके बाद में लास्ट में आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपकी सभी डिटेल्स, आपके सभी कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, टोटल यहाँ पे 7 कोर्सेज हो गए, 7 कोर्सेज में आपके 38 क्रेडिट हो गए। यहाँ पे आप अगर इनमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं तो अपडेट कोर्स सिलेक्शन को आप क्लिक करके और फिर से पिछले वाले पेज में चले जाएंगे और वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट को
चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते हैं तो इसी पेज में लास्ट में आपको आपकी फ़ी डिटेल्स दे दी गई हैं। आपको यहाँ पे अपनी पे फी को क्लिक करके और अपना फीस पेमेंट करना है। दोस्तों यहाँ पे आपकी फ़ी डिटेल्स कंप्लीट दी हुई है। री रजिस्ट्रेशन के लिए आपका 2700 रुपये फ़ी लगेगा, जिसमें से आपने यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी के लिए मतलब डिजिटल स्टडी मटेरियल के लिए ऑप्ट किया है, इसलिए आपको 15% का डिस्काउंट देके और आपको टोटली यहाँ पे 2295 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। सो दोस्तों आप यहाँ पे फी को क्लिक करके और अपना पेमेंट वाले पेज में चले जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज आ रहा है कि आपको ये पेज को रिफ्रेश नहीं करना है। जनरली दोस्तों आपका जो पेमेंट वाला पेज रहता है वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस करता है, इसलिए आपको यहाँ पे बैक या फिर रिफ्रेश नहीं करना है। इसके बाद में ये आ गया दोस्तों आपका पेमेंट वाला पेज। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकेंड वाला, नेट बैंकिंग के थ्रू तो थर्ड वाला। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करके दिखाना चाहूँगा, आप इसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपकी कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी होगी। ये सभी डिटेल्स फिलअप करने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपका पेज फिर से कुछ देर के लिए प्रोसेस हो सकता है, तो आपको यहाँ पे रिफ्रेश या फिर बैक का बटन प्रेस नहीं करना। दोस्तों पेज प्रोसेस होने के बाद में आपका OTP वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना OTP इंटर करना होगा अपने पेमेंट के लिए। OTP इंटर करने के बाद में आप यहाँ पे सबमिट को क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट को क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फीस पेमेंट हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको फीस पेमेंट के टाइम पे इन सभी बातों का ध्यान रखना है कि आपको बैक का या फिर रिफ्रेश का बटन प्रेस नहीं करना है। फीस पेमेंट के बाद में आपका यहाँ पे री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप चाहें तो बाद में इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको पूरा तरीका बताया कि किस तरीके से आपको अपना री रजिस्ट्रेशन करवाना है। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली BA G, BCOM G और BSc G प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए था। दोस्तों ये BA G के लिए था, ऐसे ही आप BCOM G या फिर BSc G प्रोग्राम के स्टूडेंट भी अपना री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग टिप्स गुरु।